दशहरे को कौन से ऐसे पांच उपाय हैं जिन्हें करने से बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा। और अश्विनी मास के दशहरे का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि दशहरा के दिन राम ने रावण को मारा था, माता दुर्गा ने, भगवती ने महिषासुर का वध किया था और पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल की थी। इसलिए अश्विनी मास के दशहरे का बहुत बड़ा महत्व है। और जो भी व्यक्ति अश्विनी मास के दशहरे को, जो आज इन पांच उपायों को बताने जा रहा हूँ, करता है, निश्चित मानकर चले जीवन में बहुत सफल होता है और साथ ही साथ उसको कभी भी कोई विघ्न या बाधाएं किसी कार्य में नहीं पड़ती। तो जो पांच उपाय बताने जा रहे हैं, अश्विनी मास के दशहरे को करें और लाभ लें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, अश्विनी मास के दशहरे के दिन रावण को राम ने मारा था, माता भगवती जगदम्बा ने महिषासुर का वध किया था और पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल की थी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण, और दशहरे के दिन किसी भी प्रकार के पंचांग शुद्धि को देखने की भी आवश्यकता नहीं होती, इतना शुभ मुहूर्त और शुभ दिवस माना जाता है। और इस दिन जो भी व्यक्ति इन पांच उपायों को करता है, जो आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, वो ये समझ लो कि सुख, वैभव, सौभाग्य को प्राप्त करता है। वो पांच उपाय क्या है? तो उनमें से पहला उपाय है कि दशहरे के दिन शाम के समय लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए झाड़ू को दान करना चाहिए किसी मंदिर में। ऐसा करने से सुख समृद्धि और में वृद्धि होती है और साथ ही साथ परिवार में शांति का वातावरण व्याप्त रहता है। दूसरा जो उपाय है दशहरे के दिन करना चाहिए, समी के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। समी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य में तो वृद्धि होती ही होती है, साथ ही साथ आपका मुकदमा या कानूनी संबंधी जो भी अड़चने हैं वो दूर होती हैं। तीसरा जो उपाय है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है और जरूर करें, अगर आपके नसीब में उस दिन ये उपाय को करना प्राप्त है तो समझ लो बहुत बड़ी बाधाएं दूर होती हैं और बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हो आप। नीलकंठ पक्षी का दर्शन यदि आप दशहरे के दिन कर लें या आपको प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ा उपाय है। और इसी प्रकार से चौथा जो उपाय बताने जा रहे हैं, दशहरे के दिन पीले वस्त्र में एक नारियल लपेट कर और साथ में एक जोड़ा जनेऊ और मिठाई शाम के समय किसी पास के मंदिर, जो घर के सबसे पास हो, वो छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, इसकी जरूरत नहीं, छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, महत्वपूर्ण मंदिर हो या नवीन हो, पुरातन हो, कैसा भी हो, लेकिन घर के जो सबसे नज़दीक हो वहाँ जाकर एक नारियल पीले वस्त्र में लपेट कर एक जोड़ा जनेऊ और मिठाई लेकर अर्पित कराएं। ऐसा करने से अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं और आपके व्यापार में घाटा चल रहा है, निश्चित मानकर चलें घाटा जो है वो रुक जाता है और व्यापार कारोबार आपका फुल टास एकदम जबरदस्त चलता है। पांचवा और आखिरी उपाय बताने जा रहे हैं, जो व्यक्ति कर लेगा ना मजा आ जाएगा। दशहरे के दिन करना क्या है आपको, दशहरे के दिन से इस उपाय को शुरुआत करनी है। थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन कर लेंगे निश्चित मान लें आप बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। दशहरे के दिन से किसी भी कुत्ते को 43 दिन तक लगातार, दशहरे के दिन से शुरुआत करनी है और 43 दिवस यानी 43 डेज तक बेसन के लड्डू खिला दें। ऐसा करने से गरीबी दूर होती है, दरिद्रता दूर होती है, कानूनी मामलों में अड़चन दूर होती है, कारोबार में वृद्धि होती है, वो घाटा रुक जाता है, कर्ज अगर आप पर चढ़ा है तो कर्ज भी उतर जाता है। बहुत ही साधारण से उपाय हैं, ज्योतिषी उपाय हैं, तोड़गे हैं, परंपरागत तरीके से जो हमें प्राप्त हुए हैं आज हमने इस वीडियो में बताया है। करें और लाभ लें, निश्चित लाभ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। आप सभी लोगों को मेरी ओर से दशहरे की हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामनाएं। ईश्वर आपके घर में सुख समृद्धि वैभव हमेशा बनाए रखे।